हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई वी साहब बहुत ही बड़े होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में अगर हमारा जो पार्ट थ्री था हमने कंप्लीट कर लिया, मैट्रिक्स का पार्ट थ्री का हमने कंप्लीट कर लिया। कल हमने बात की थी कुछ मैट्रिक्स को ऐड करने की, इक्वल मैट्रिक्स की, ठीक है। और हमने मैट्रिक्स में वहाँ पर बात की थी जो अपने इक्वल मैट्रिक्स हैं उनको, और कोई नई मैट्रिक्स का अगर हमें निर्माण करना हो, किसी नए मैट्रिक्स का निर्माण करना हो, अगर उसके लिए हमें आई और जे में कोई ना कोई रिलेशन गिवन हो, अगर आई और जे में कोई रिलेशन गिवन है, ए आई जी की वैल्यू आपके पास दी हुई है, तो आप ए आई जी के लिए ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री टू थ्री, जितनी भी आपके पास थ्री क्रॉस थ्री की निकालनी हो, टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स निकालनी हो, वो सब मैट्रिक्स हमने पढ़ ली थी। आज हम चलते हैं, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, अपने पास जो एक्सरसाइज 3.2 है, हमने एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक कर लिया था मैट्रिक्स को ऐड करना। अगर नहीं किया तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, कि इसका फर्स्ट एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास दो मैट्रिक्सेज हैं जैसे ये वाली, अभी उसके एग्जांपल्स की बात करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्सेज को कैसे हमने जब बेसिक किया था वहाँ पे, स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना भी सीखा था, ऐड करना भी सीखा था और सब्सट्रैक्ट करना भी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर देखो एक वैल्यू और आ रही है, वो है देखो ए बी, ए बी यानी मल्टीप्लाई करने वाली, कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। फिर यहाँ पर है बी ए, तो बी ए आज हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपने क्वेश्चन से, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट का ए है आपको वो सोल्व करना है जो है आपके पास ए प्लस बी, ठीक है। मतलब कि आपके पास जो मैट्रिक्स ऊपर दी हुई है, ए और बी दो मैट्रिक्स दी हुई है, आपको इनका सम निकालना है, आपको मैट्रिक्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स ए नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैट्रिक्स ए है आपके पास 2, 3, फिर आपके पास है 4 और 2, ठीक है। प्लस मैट्रिक्स सेकेंड आपके पास क्या, 1, -2, 3, 5, ये है। तो मैंने जब भी बताया, जब भी आपको दो मैट्रिक्स का सम करना हो या सब्सट्रैक्ट करना हो, जोड़ना हो या घटाना हो, तो हम क्या करते हैं, उनके संगत अवयव, उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये वाले, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट इसमें। मतलब कि जैसे अगर आपके पास ये ए मैट्रिक्स है और ये आपके पास है बी मैट्रिक्स, तो इसके एलिमेंट क्या है आपके पास, ए वन वन, ए वन टू, फिर यहाँ पे ए टू वन और ए टू टू, आपके पास इस प्रकार से एलिमेंट है। प्लस ये कौन सा है, बी वन वन, बी वन टू, ठीक है। ये कौन सा है, बी टू वन और बी टू टू, ये एलिमेंट है। तो इन दोनों का ऐड में क्या होगा, यहाँ पे ए वन वन प्लस बी वन वन, ए वन टू प्लस बी वन टू, हमने पीछे की वीडियो में भी इस बारे में बात की थी, मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। ए टू वन प्लस ए टू टू, बी टू वन प्लस बी टू टू, टू टू सॉरी, बी टू टू, टू वन आएगा यहाँ पे, बी टू वन और बी टू टू प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो देखो दोबारा बता रहा हूँ इसको, यहाँ पर आएगा अपने पास ए टू वन प्लस बी टू वन और यहाँ पे ए टू टू प्लस बी टू टू, ये वाले एलिमेंट हमारे पास इस प्रकार से आएंगे। तो हमें क्या करना है, जो ए वन वन वाला एलिमेंट कौन सा है, मैं इसमें आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ए वन वन है आपके पास ये वाला एलिमेंट ए वन वन, ये हो गया ए टू वन, ये आपके पास है ए वन टू, ये है आपके पास ए टू टू वाला एलिमेंट। तो इनके संगत एलिमेंट को इसमें ऐड करेंगे, तो हम इस प्रकार साइड में ऐड कर रहे हैं। देखो सबसे पहले टू में किसको ऐड करेंगे, थ्री को, तो आपके पास ए प्लस बी का जो वैल्यू आएगी वो इधर आ रही है, अपने पास क्या आएगा ए प्लस टू में, टू प्लस वन, तो अपने पास आ गया थ्री, फिर यहाँ पे फोर प्लस थ्री, तो अपने पास आ गया सेवन, ठीक है। फिर अगर थ्री माइनस टू, तो थ्री माइनस टू कितना होता है वन, तो ये यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे इसके साथ में माइनस आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम करते हैं थ्री प्लस माइनस टू तो उसकी वैल्यू कितनी आती है वन, क्योंकि तीन में से दो जुड़ेगा नहीं, अब दो घट जाएगा, क्यों घट जाएगा, यहाँ पे टू है जो है माइनस का है, तो यहाँ से टू सब्सट्रैक्ट हो जाएगा वन, और फिर टू और फाइव कितना हो जाएगा सेवन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस प्रकार से वैल्यू आ गई, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी की 3, 7, 1, 7, या आपके पास ए प्लस बी आ गई, ठीक है। अगर आप इसी प्रकार से बी प्लस ए भी देखना चाहो, इसमें बी ए प्लस नहीं पता लेकिन मैं बता देता हूँ, बी प्लस ए, तो अब क्या करेंगे, पहला एलिमेंट बी का, तो 1 + 2 कितना आएगा 3 आएगा, फिर बी का एलिमेंट ये 3 + 4, 7, फिर ये -2 + 3, -2 + 3 कितना होता है 1, और 5 और 2, 7,
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके पास जो ए प्लस बी है और बी प्लस ए है, दोनों की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, सेम आती है। ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों की ऑलवेज वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पास नेक्स्ट। अगर हमारे पास ये अगर आपने क्वेश्चन नोट किया है, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को आराम से नोट कर सकते हो। यहाँ पर हमसे सिर्फ ए प्लस बी पूछा गया था, तो हमने ए प्लस बी यहाँ तक निकाल दिया, यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बी प्लस ए निकाला है, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी एड वाले में कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है आपके पास। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई भी करेंगे नेक्स्ट में, तो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट अपना, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या निकालना है, जो अपने पास मैट्रिक्स है उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहीं पे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से मैं पीछे से नोट कर रहा हूँ, 2342। ये साइन, फिर बी की वैल्यू आपके पास आ रही है 1-2, 3-5, 1-2, 3-5। और आपको जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या फाइंड आउट करना है, वो आपको फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। आपको यहाँ पे लेना है ए माइनस बी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो a माइनस बी के लिए आप क्या करोगे, a में से b को, अब की बार a में से क्या करना है, b को घटाना है। क्या करना है, a में से आपको b को घटाना है। तो देखो, सबसे पहले मैं a के एलिमेंट लिख लेता हूँ, आपके पास कितना है 2, 3, ये 4 और ये 2, माइनस 1, 3, माइनस 2 और ये 5। तो हमने बात की थी कि अगर हमें ऐड करना है तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से, ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा। तो उसी प्रकार से अगर हमें सब्सट्रैक्ट करना हो, घटाना हो, तो वो भी ऐसा होगा कि इसमें से इस एलिमेंट को घटाएंगे, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा 1, 4 में से 3 गया आपके पास आ गया 1, 3 में से माइनस 2, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा। कैसे आएगा कि आपके पास यहाँ पे 3 है, माइनस माइनस 2 करना है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 2 माइनस 5 तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3। तो आपके पास ये वैल्यू किसकी आ गई, ए माइनस बी की। ठीक है, अब हम ये भी देख रहे हैं, देखिए अगर हमारे पास जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी ए प्लस बी हो, तो बी प्लस ए के बारे में बात की थी कि वो सेम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमने ए माइनस बी निकाला है तो यहाँ पर हम बी माइनस ए निकालते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है, वो भी देख लेते हैं। तो b माइनस ए के लिए पहले एलिमेंट b का, b माइनस ए, तो 1-2-1, ये क्या हो गया, हमारा यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 आ रहा था, a माइनस b कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने b माइनस के ए किया यहाँ पे माइनस होना गया। तो अगर एक भी एलिमेंट चेंज हो गया तो हम बोलेंगे दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं आएंगी। तो हमारे पास यहाँ से ही बता सकते हैं कि a माइनस b और b माइनस a कभी इक्वल नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप b माइनस a निकालना चाहते हैं हम, तो b माइनस a कंप्लीट निकाल दिया, जब हमने स्टार्ट ही कर दिया, तो 3-4 कितना आएगा, माइनस का 1, 3 में से माइनस 4 गया तो। ठीक है, -2-3 कितना आ जाएगा, माइनस का 5, और 5-2 कितना आ गया, 3, 5-2। अब आप देख सकते हो आपके सामने क्या है। तो आपको इसको देख कुछ लग रहा है क्या, क्या यहाँ पर जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी वो वैल्यू वहाँ पर नेगेटिव आ रही है, और जो वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है वो वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। ठीक है, लेकिन हमारा जो काम था वो ये देखना था कि अगर हम a माइनस बी निकाल रहे हैं तो क्या हमारे पास b माइनस ए आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम बोलेंगे नहीं, a माइनस बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू b माइनस ए होता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। आई बात समझे, ठीक है आ गया। तो हमने ऐड कर लिया, सब्सट्रैक्ट कर लिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट रखे भी इसका बाद में नोट कर लेना। ठीक है, हम पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमने ऐड किया था, अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की हम यहीं पर बात कर लेंगे अपनी, इस वाले को आपने नोट कर लिया, अगर नोट नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं,
ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, फर्स्ट का थर्ड, जो क्या है आपके पास, 3a-c निकालना है, 3a-c निकालना। तो सबसे पहले मैं 3 निकालूं, तो जब मैंने आपको अपने बेसिक में अपने पीछे वाले वीडियो में बात की थी कि जब भी हमारे पास इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स और स्केलर मल्टी स्केलर वैल्यू से किसी को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया जाता है, तो वो जो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, उससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। चलो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ए जो आपके पास है वो कितना दिया हुआ है, 2, 3, 4, 2 दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करना, हमें 3a निकालना है, तो a को कर मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और ये हो गया 6। मतलब कि इसके जितने भी एलिमेंट, पहले इसको 2 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे और फिर वापस से 2 से, तो 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9 और 3 2 6। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 3a की। अब हमें क्या करना है कि माइनस सी करना है, इसमें से 3a में से माइनस सी करना है, तो 3a-c निकाल रहे हैं, तो 3a की वैल्यू हमारे पास है 6 9 12 और ये 6। उसके बाद भी आपके पास आ रहा है माइनस का सी, तो सी की वैल्यू है -2 3 5 और ये आ गया आपके पास 4। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अभी हमने माइनस किया है तो डायरेक्ट हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो 6 -2 तो 6+2 हो जाएगा, 6+2 कितना होता है, 8 हो गया, 12-5 तो 12-5 कितना होता है, 7, 9-3 6 और 6-4 2, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये 3a-c की इक्वल टू 3a-c, ये आपका आंसर आ गया। 3a-c की वैल्यू आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, बहुत ही इजी आसान सा सवाल है, ठीक है, आसानी से आप कर सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आता है a(b) निकालना, तो आप बोलोगे सर हमने a(b) तो निकालना सीखा ही नहीं, सीखा नहीं तो हम सिखा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना, तो बहुत ही इजी तरीके से हम इसको करते हैं। चलो इससे पहले हम इसमें पेज ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, a(b) का मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, a तथा b का मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। तो a(b) के मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास दो मैट्रिक्स, अगर दो कम से कम दो मैट्रिक्स चाहिए तो उनका ऑर्डर हमारे पास बहुत ही ज़रूरी है, जिस प्रकार से हमने बात की थी ऐड और सबस्ट्रेट में कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐड और सब्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि जो भी दो मैट्रिक्स आपको गिवन है उन दोनों मैट्रिसेस का आपके पास ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, तो उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो जाएगा। अब बात करें मल्टीप्लाई के लिए क्या हो, तो अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर आपके पास यहाँ पे m×n का मैट्रिक्स है, a b c और d, जो भी आपके पास है, मान लो आपके पास यहाँ पर m×n का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर इससे आपको किसी दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे आपके पास n×p होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, n×p होना चाहिए। मतलब क्या बात है, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो इसके कॉलम्स, पहला जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम और जो आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, m×n, ठीक है। अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है aij और आपको निकालना है bij, क्रॉस मल्टीप्लाई bij का, ठीक है, तो हमेशा इसका जो ऑर्डर चाहिए वो आपको चाहिए n×, ये कुछ भी हो सकता है p n×p, ठीक है, कि मतलब इसके जो कॉलम हैं और इसके रो हैं ऑलवेज सेम होनी चाहिए आपके पास, ये वाले और ये वाले n, यहाँ का n, यहाँ का, दोनों तरफ देखो मैंने n लिखा है, n मतलब सेम वैल्यू है, पहले के जो कॉलम है और दूसरे की जो पंक्ति है वो हमेशा क्या होनी चाहिए आपके पास, सेम होनी चाहिए, ठीक है। कैसे, हम एग्जाम्पल से अभी बात करेंगे और जो इसका आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या मिलेगा, कि देखो हमने यहाँ वाली बात तो कर ली कि n×, अब इसका ऑर्डर आएगा वो, तो इसका जो भी ऑर्डर हमें मिलेगा aij×bij,
जो यहाँ पर इसकी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर हमारे पास एम क्रॉस पी, जो हमारे पास वैल्यू बच गई, एक वैल्यू ये बच गई और ये वाली, तो उन दोनों का कि यहाँ पर इसमें एम तो रोज हो जाएंगी और पी हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले के रोज, सेकंड वाले के कॉलम, और मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अब बात आते हैं हमारे एग्जांपल में। ठीक है, अगर आपको बेसिक से समझे, हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझे तो बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, तो हम अपने आते हैं पहले पेज पे, जहाँ पर आपने ये 3a-c निकाला था। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अब आप क्या निकालोगे यहां पे, ए बी, ए इंटू बी आपको निकालना है। तो ए इंटू बी के लिए मेरे को क्या बताया कि इनका ऑर्डर देख लेते हैं पहले, 2, 3, 4, 2। इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2x2 का। ठीक है, और यहां पे ये तो ए आ गया आपके पास, और बी देखे, बी यहाँ पे है तो मैं यहीं पे इसका ऑर्डर नोट कर देता हूँ। इसका ऑर्डर भी कितना आ रहा है, 2x2। चलो फिर भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार कि हमें काम में तो लेना है, 1-2, 3, 5, ये भी कितना आ गया, 2x2 का। तो हमें क्या देखना था, यहाँ का n और यहाँ का m, सिंपली बस हम m x n अगर लेके चले तो इसका n और इसका m, इसका दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे वाला और इसका पहले वाला, मतलब पहले वाली जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स और इसके रोज की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर आता 3x2 और इसका मल्टीप्लाई होता 3, इसका भी 3x2, तब हम क्या करते, तब हम इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का 2 और यहाँ का 3 ये दोनों इक्वल नहीं है, तब इसका मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, है ना, मल्टीप्लाई नहीं होता। आगे बात समझ में, चलो हमने ये बात कर ली। अगर हम ऐसा होता कि तुम यहाँ से एक चीज़ तो पता चल रही है कि अगर यहाँ पे 3x2 है और यहाँ पे भी 2x2 है, तब तो इसका मल्टीप्लाई बहुत ही ईजी हो गया। अगर मैं लेके चलूँ 3x3 × 3x3, तो यहाँ पर भी क्या ये और ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मल्टीप्लाई बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा, आसानी से हम कर सकते हैं। तो हम एक बात तो बोल सकते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है तो उसका मल्टीप्लाई हम ऑलवेज कर सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका जो ऑर्डर है वो सेम आ रहा है, दो मैट्रिक्स हैं दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका मल्टीप्लीकेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसकी, कि हम इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे निकालें। तो इसको मल्टीप्लीकेशन निकालने का तरीका है कि जो इसकी फर्स्ट रो है, इसकी जो फर्स्ट रो है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, फिर जो इसकी फर्स्ट रो है, मैं अलग अलग पेन से इसलिए बना रहा हूँ जिसको आपको समझ में आ जाए, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड कॉलम से और उन आराम से नोट कर देंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कराने पर इसको मल्टीप्लाई करके इससे पहला एलिमेंट पहले से हो जाएगा दूसरे से। तो मैं आपको एक बार वो समझाने की कोशिश करता हूँ जिस प्रकार से हम A11 और वो वाली कंडीशन लेते हैं। तो देखो A11, A12, A21, A22। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ले लेंगे B11, B12, B21, B22। तो देखो मैंने क्या बताया, फर्स्ट रो इसका ये कॉलम, ये इंटू ये वाला। तो सबसे पहले देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं A11, तो यहाँ से A11 इंटू B11 प्लस A11 A12, यहाँ से A12 इंटू B21 आ जाएगा इसका, कैसे, ये इंटू ये वाली वैल्यू इंटू ये वाली, तो A11 B11 से और A12 B2 से, इन दोनों को ऐड, फिर नेक्स्ट वाले से, तो यहाँ से A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22, फिर नेक्स्ट की बात आते हैं हमारे पास सेकंड वाला, ये वाले, इसको मल्टीप्लाई करेंगे
इससे और फिर करेंगे इससे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से क्या आएगा ए टू वन और वहाँ से बी वन वन प्लस ए टू टू इंटू बी टू वन, ठीक है। फिर अपने पास क्या आएगा, अब इसको आगे वाले से ए टू वन बी वन टू, ठीक है, प्लस ए टू टू और बी टू टू, ये आपके पास इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब देखो उसी का यूज करते हुए हम अपने इस जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं। तो यहाँ से ए वन वन और बी वन वन, तो ए वन वन बी वन वन ये आपके पास हो गया, तो टू इंटू वन टू प्लस इस प्रकार से यहाँ पर आ रहा है ए वन टू, तो ए वन टू ये है और बी टू वन, बी टू वन कौन सा गया ये वाला, तो देखो ये वाला तीर इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो हमारे पास देखो उल्टा एल सा बन रहा है एक तरह से, तो हमें एल साइड में करना है प्लस फोर माइनस टू, तो कितना हो जाएगा माइनस का एट हो गया। तो ये जो पहला एलिमेंट आ गया इसका, ये जो आया वो एक एलिमेंट आया। अब नेक्स्ट एलिमेंट इसको करेंगे आगे वाले से, ऊपर वाली रो को देखो ये वाला साइन इधर जा रहा है, तो ये वाले को इधर से, ठीक है। तो देखो टू इंटू थ्री सिक्स प्लस फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, ये आपके पास इसके दो एलिमेंट आ गए। हमारे पास हमने देखा था कि इसका ऑर्डर फर्स्ट वाला इसका n और उसका m इक्वल है। अब देखो इसको करते हैं, यहां पर हमारे पास क्या रहा है ए टू वन, तो ए टू वन ये है और बी वन वन, इसको करेंगे अब ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे, इस वाले से फर्स्ट वाले से, तो ए टू वन थ्री इंटू वन कितना हो गया थ्री प्लस टू इंटू माइनस टू, तो ये कितना हो गया माइनस का फोर। अब ये वापस से इससे ये वाली डेट से ले लेता हूँ, ये वाली वैल्यू हुई वापस से इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इससे मल्टीप्लाई के लिए देखो हमारे पास एलिमेंट क्या ए टू वन और बी वन टू, ए टू वन ये है और बी वन टू ये है, तो थ्री इंटू थ्री नाइन प्लस टू इंटू फाइव टेन, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप इसको सोल्व करके लिख सकते हैं, तो इसको सोल्व करके लिखने के बाद में मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मैं किस प्रकार से आएगी देखते हैं। एट माइनस का और प्लस का टू है, तो अपने पास यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस का सिक्स, यहाँ से ट्वेंटी प्लस सिक्स कितना आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स, यहाँ से थ्री माइनस फोर कितना आएगा माइनस वन, यहाँ से नाइन प्लस टेन कितना आएगा नाइनटीन। तो देखो अब इस मैट्रिक्स का बात करें तो ये कितनी एक आ रही है टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स हमारे पास मिल रही है। तो हमने देखो स्टार्टिंग में बात की थी जब मैंने आपको बेसिक बताया कि अगर यहाँ पे ये दोनों का सेम है तो जो हमारे पास मैट्रिक्स मिलेगी वो उनका ऑर्डर जो इनका इसका एम और इसका पी है। अगर मैं इसको एन क्रॉस पी लेता हूँ, इसको एम क्रॉस एन लेता हूँ, तो एन क्रॉस एन ये तो दोनों सेम हो गए एन एन, तो जो एम और पी है तो एम की वैल्यू यहाँ पे टू है और पी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है टू आ रही है, तो ये इसका ऑर्डर मिल गया। इस प्रकार से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों तरीके से आपको सिंपली जो बेसिक है आपके ए वन वन ए वन टू लेके भी आपको मल्टीप्लाई करके बता दिया। आप इसको भी नोट करना जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और आप इसको भी मल्टी नोट करना साथ में और अपने हिसाब से एक बार समझ लो अच्छे से, उसके बाद में अपने आप से इसको आप सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी है, जैसे हमने ए प्लस बी निकाला था बी प्लस ए निकाला, अब ए इंटू बी निकालिए, अब बी इंटू ए निकालते हैं। तो बी इंटू ए के लिए हमारे पास क्या होगा, ये वाला मैट्रिक्स इधर आ जाएगा और ये वाला इसका मैट्रिक्स होगा, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं बी इंटू ए। तो आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए, मैं यहीं पर इसको करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलो इसको मिटा देते हैं, अपने पास वो आगे वाली वैल्यू एज इट इज ऐसे कैसे रखी है क्योंकि हम उससे दोबारा से काम में लेने वाले हैं, जितने तक मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब चलो देखो बी ए निकालते हैं, तो बी ए के लिए क्या होगा आपके पास, सबसे पहले बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है वन थ्री माइनस टू फाइव, ओके, और मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू जो चाहिए आपको टू, मैं देखो अगर देखना तो मैं सबसे पहले ये क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको बैक इसलिए कि मैं यहाँ से ए जो इंटू बी की वैल्यू आई थी आपके पास, ए इंटू जो बी की वैल्यू आई है मैं उसको नोट कर रहा हूँ यहाँ पे साइड में कि जिससे हम बाद में मैच कर सकें
कि अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो दोनों की सेम आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये नोट कर लिया, अब इसको मैं मिटा सकता हूँ। अब यहाँ पे हम इसको नोट करते हैं, अभी दो एलिमेंट रह गए हैं। चलो हमारा काम स्टार्ट वापस से, b इंटू ए निकालते हैं। तो b इंटू ए के लिए सबसे पहले b, b अपने पास क्या है, 1, ये माइनस 2, ये 3 और ये 5 हो गया। ठीक है, और a की वैल्यू 2 3 4 2, ठीक है, ये आ गया आपके पास वैल्यू। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले इस वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसा हमने किया इसको इससे, तो 1 इंटू 2 2, प्लस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो 2 प्लस 9। अब इसी वाली वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस आगे वाले से, तो इस वाली रो को दोबारा से आगे वाले से करेंगे, तो 1 इंटू 4 4, प्लस 3 इंटू 2 6। ठीक है, अब ये देखो माइनस 2 इंटू 2, तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4, प्लस 5 इंटू 3 15। इसको कर रहे हैं, मैं साइन चेंज कर देता हूँ जिससे आपको आसान से समझ में। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट वाले से, तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4 और 5 इंटू 3 15। अब मैं इसको वापस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे, तो देखो माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 8 और 5 इंटू 2 प्लस का 10। ये आपके पास ऑर्डर की हमने बात के लिए, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2x2 है, इसका भी 2x2 है, दोनों का ये एलिमेंट देखेंगे, ये वाला एलिमेंट दोनों का इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो आंसर मिलेगा वो यहाँ से 2x2, तो जो आंसर आ रहा है हमारा 2x2 क्या आ रहा है, जो वैल्यू आएगी उसकी बात कर लेते हैं। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखो 9 प्लस 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गया 11। 6 प्लस 4 हमारे पास हो गया 10, 4 माइनस का है और 15 प्लस का है, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 11, और ये यहाँ से माइनस का 8 प्लस 10 अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो अपने पास 11 10 11 2 ये आ गया, और ये हमारे पास मैट्रिक्स मिल रही है 2x2 की। तो हमने जो देखो हमारे पास ए और बी ये आया था, सॉरी ए इंटू बी आपके पास ये वैल्यू आई थी, और बी ए की वैल्यू आपके पास ये मिल रही है, बी ए आपके पास क्या मिल रहा है ये वाला, तो क्या आप बता सकते हो दोनों मैट्रिक्स सेम है या नहीं है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन आसानी से निकाल सकते हैं कि हमारे पास अगर a इंटू बी है तो b इंटू ए दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल नहीं आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्लास का 12th का अपने पास जो 3.2 चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने ऐड वाले क्वेश्चन किए, सबस्ट्रेट वाले किए, और कोई किसी स्केलर वैल्यू से अगर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है तो वो कैसे करते हैं, और किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई के बारे में हमने बात की है। और मैट्रिक्स इसमें मेन बात यह है कि जो इनका ऑर्डर है वो हमारे पास बहुत ही खास है, क्योंकि अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n ले रहे हो और इसका ऑर्डर तो n क्रॉस p होना चाहिए, तब ही आप इसकी सेकेंड फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की कॉलम और सेकेंड वाले मैट्रिक्स की रो हमेशा अगर इक्वल है तभी हम उनको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।